सुप्रभात, हम आपको पढ़ाएंगे आज गीता मृतम। ठीक है? गीता मृतम, इसमें गीता का उपदेश दिया हुआ है। जो है आप देखेंगे, जैसे कि पहला है आपका वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि प्राणात् नरो प्राणि तथा शरीरा विहाय जीर्णानि यानि संहाति नवानि देह। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए, जैसे जैसे मनुष्य जगत में पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो जीवात्मा होती है वो पुराने शरीर को छोड़कर के नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कहने का मतलब है जो है कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो जीवात्मा होती है वो पुराने शरीर को छोड़कर के नए शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। क्लियर है? अगला देखिए, नैनम छिदंत शस्त्राण नैनम दहति पावकः न चैनम प्रदयान्ति याप न शोषितः मारुतः। इन पंक्तियों के माध्यम से जैसे इसमें देखेंगे पंक्तियां कर रहे हैं, जैसे ये श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ देखिए आप। जो है नैनम छिदंत शस्त्राण नैनम दहति पावकः, नैनम छिदंत शस्त्राण नैनम दहति पावकः न चैनम प्रदयान्ति याप न शोषितः मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न वायु न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। इसका अर्थ एक बार दोबारा देखिए, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। क्लियर? यस सर। अगला देखिए, कर्मणे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्रो कर्मण मणि। कहने का मतलब है जो है, तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो, कर्म न करने के प्रेरित ना हो। देखिए, करने कहने का मतलब यह जो है कि आपका कर्म करने में अधिकार है, आप कर्म करते रहिए, आप फल की चिंता मत करिए, फल तो अपने आप ऊपर वाला दे देगा। आप कर्म करते रहिए, आप फल की चिंता मत करिए, आपका कर्म करने में अधिकार है, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। क्लियर? यस सर। अगला क्या कर रहे हैं, अगला है आपका, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा मृतं सृजामहम्। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मं सृजामहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पे आता हूं और इस पृथ्वी पे अवतार लेता हूं। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, यदा यदा ये धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्। करण जब जब इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धर्म धरती पे अधर्म बढ़ता है, तो उस अधर्म के नाश के लिए मैं इस धरती पे जन्म लेता हूं। क्लियर है? yes,